वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी रामदास तड़स को इन दिनों गृह कलह का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनकी बहू पूजा तड़स ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके चलते राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की प्रवक्ता नूतन रेवतकर ने पूजा तड़स के समर्थन में पत्र परिषद लेते हुए पीएम मोदी से मिलने का ऐलान किया था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन्हें 3 घंटे पहले ही हिरासत में ले लिया। दरअसल पूजा पंकज तड़स ने पिछले दिनों अपने 17 महीने की बेटी के साथ शिवसेना यूबीटी की उपनेता सुषमा अंधारी के साथ मीडिया से बातचीत की थी। इसमें उन्होंने तड़स परिवार के साथ रहते हुए 3 साल से अधिक समय से हो रही अपनी दुर्दशा के बारे में बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि लगभग 3 साल पहले उनके पति पंकज तड़स को बलात्कार के आरोप से बचाने के लिए उन्हें कथित तौर पर शादी के लिए मजबूर किया गया था। उसके बाद से उन्हें यातना दी गई, लोहे की छड़ से पीटा गया, जिस फ्लैट में वह रहती थी उससे बाहर फेंक दिया गया और यहाँ तक कि कई मौकों पर भोजन देने से इनकार भी किया गया, जिसके चलते राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की प्रवक्ता नूतन रेवतकर ने पूजा तड़स के समर्थन में पत्र परिषद लेते हुए पीएम मोदी से मिलने का ऐलान किया था, लेकिन इसी बीच गणेशपेट पुलिस ने उन्हें 3 घंटे पहले ही हिरासत में लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस शरद पवार गुट के अध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने इसे भाजपा की बर्बरता का नाम दिया है। साथ ही नूतन रेवतकर ने भी इस समय जानकारी दी। काल वर्धेला मी रामदास तड़स यांच्या विरोधात पत्र परिषद घेऊन त्यांची सून पूजा तड़स हिला न्याय देण्याच्या उद्देशाने आज तिथे पंतप्रधान मोदी येणार होते, तर न्याय देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना भेटण्यासाठी आम्ही आज जाणार होतो असं मी तिथे जाहीर केलं होतं। त्या अनुषंगाने आज सकाळपासून माझ्या घरात 4 ते 5 पोलीस येऊन बसले आणि मला नजरकैदेत ठेवलं। त्याच्यानंतर मला मी बाहेर जेव्हा निघाली तर मला वारंवार फोन करून बोलावण्यात आले की पी आय साहेब भेटायला बोलवत आहे आणि मी इथे आल्यानंतर यांनी मला ताब्यात घेतलं व मला बसवून ठेवलं। आत्ता 6 वाजताची वेळ आहे, यांनी मला आत्ता सोडलेलं। आज चुनाव के दिन नागपूर में आज महत्वपूर्ण लोकसभा का जो चुनाव है, वो चुनाव के दिन हमारी महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संगठन सचिव है, आदरणीय हमारी नेता नूतनताई रेवतकर, इनको सुबेरे से मोदी सरकार की, ये भाजपा सरकार की हिटलर शाही के द्वारा सुबेरे से घर में नजर कैद करके रखा और उसके बाद दोपहर के बाद से गणेशपेट पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उन्होंने उनको बिठा के रखा। उनका गुनाह इतना ही था कि उनने सिर्फ रामदास तड़स, जो कि वर्धा के खासदार है, जिन्होंने अपनी बहू को लोहे के रॉड से मारा, उसको न्याय दिलाने के लिए वो हमारे पंत्र प्रधान को ले जाके मिलना चाहती थी, वो एक महिला को, एक बेसहारा महिला को न्याय दिलाना चाहती थी। उस बेसहारा महिला को न्याय दिलाने की सजा उनको ये मिली कि मोदी सरकार की और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हिटलर शाही द्वारा उनको आज यहाँ पर चुनाव के महत्वपूर्ण दिन, जो कि जनता को वोटिंग करने का दिन था, वोटिंग लोगों को करवाने का दिन था, एक कार्यकर्ता के रूप में वो महत्वपूर्ण दिन होता है, वो महत्वपूर्ण दिन पूरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा षड्यंत्र रचकर इनको पुलिस थाने में यहाँ पे बिठा के रखा। इसका मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही, मोदी सरकार की हिटलर शाही का तीव्र निषेध करता हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।